सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। तो राहुल गांधी की अगर कोर्ट आपको बेल नहीं देती है, अगर आपका कंप्लेन भ्रष्टाचार का कॉज नहीं होता है, तो आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे? अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदारना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने, इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन। Do you practice democracy within your party? आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, ये तो तीन कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? आज मुझे राहुल गांधी से एक बार बात कहनी है। राहुल गांधी जी, आप मोदी जी की आलोचना करिए, आप बीजेपी की आलोचना करिए, लेकिन अब आप देश की आलोचना कर रहे हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब आप पूरे देश की आलोचना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हिटलर को कोट कर रहे थे, हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात, ये कार्रवाई कभी नहीं रुकेगी, ये देश अपेक्षा करता है। आज ये सच्चाई नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, आप ही लोग तो लिखते हैं मीडिया में। क्या सच्चाई नहीं कलकत्ता में कितने करोड़ रुपए दिखाई पड़ रहे हैं फ्लैट में, कितने गहने दिखाई पड़ रहे हैं, रांची में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंबई में बड़े बड़े नेता जेलों में बंद है, बेल नहीं मिलती उनको? यह है बड़े सवाल। आज ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ईमानदारी से काम कर रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त प्रहार हो रहा है। हाँ, इस प्रहार से कांग्रेस पार्टी को परेशानी होती है, हम समझते हैं, लेकिन राहुल जी, उस परेशानी का हम कुछ नहीं कर सकते। जो आपने करा है वो आपको भोगना पड़ेगा। अगर 5 लाख रुपए की संपत्ति लगाकर, हवाला के माध्यम से पैसा लेकर 5,000 करोड़ की संपत्ति अगर आपके पास आती है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा।